मदलावे और पूरण जैसा भगत जगत में ना टोए ता पावे। ऐसा जति पुरुष ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरा बेटा तो निर्दोष ही है। पियाजी इस औरत पे विश्वास ना कीजिए, क्योंकि ये औरत कुछ भी करवा सकती है। आज या मेरे बेटे ने मरवा वह काल तन्न भी मारेगी, गारंटी है मेरी। क्या कहने लगी इंशरादे? आज पूत मरे, आज पूत मरे, कल तड़के साजन तन्न भी मारेगी। गांठ लगा ले पल्ले के ना इतने में सारे मानस खानी पर कुड़वा घानी नहीं परण हारे जी। जी मान जाइए अभी भी मेरी बात, जो शुभ कर्म करे हैं आज तक, जो धर्म कमाया है उसको क्यों खराब कर रहे हो? अभी भी मान जाइए मेरी बात, मेरे पूत को बचा लीजिए, मेरे पूरण मर को बचा लीजिए। आप ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। अगर मेरा बेटा मर गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी इसकी गल्ला मर जाऊंगी। क्या कहने लगी सुनिए। समझ के सोच समझ के सजन मेरे रे, सोच समझ के सजन मेरे रे, कर्मा के फल पे जा। कदे भूल में सो जा, जानू सोचे या शोक इंशरा मेरे कैसी हो। Come on!
वो राजा जो हमेशा न्याय करता आया है, जो दूध और पानी को अलग छाटता है, वो आज ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है? पियाजी अभी मेरी बात मान जाइए, कैसे क्या समझाती है सुनिए। खड़ी होगी बेटा, रानी इंसरा दे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। हेलो, और कहने लगी, महाराज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरे पूत को छोड़ दीजिए, मेरे पूरण मल को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा एक का बेटा है और अगर इसे भी आप मरवा दोगे तो मेरा जीने का कोई सहारा नहीं रहेगा। मैं आखिरकार आपकी पत्नी हूँ, आपकी पतिव्रता नार हूँ, पिया जी मेरा कहना मान लीजिए, क्योंकि आप ये विनाश करने जा रहे हैं। क्या कहने लगी सुनिए अंतिम कली में। आखिर में तेरी ब्याही सूरे, आखिर में तेरी ब्याही सूरे, आखिर जगत में नाते ते पावे हो, पूरन जैसा जगत जगत में।